बात करते हैं हमारे आज के स्वदेश हीरो की। म्यूचुअल फंड का मार्केट जो कभी एक खास वर्ग का मार्केट कहा जाता था, लेकिन अब ये मार्केट धीरे धीरे आम तबके तक पहुंच गया है, जिसका क्रेडिट जाता है SBI म्यूचुअल फंड को, जिसने पिछले 5 सालों में ज़बरदस्त तरीके से छोटे शहरों, कस्बों और गाँव के लोगों के बीच जगह बनाई और 6 गुना ग्रोथ भी पाई है। इसीलिए आज हमने चुना है SBI म्यूचुअल फंड को अपना स्वदेश हीरो। कोविड-19 महामारी के बाद शेयर बाजार ने तो कीर्तिमान बनाए ही, पर इसमें म्यूचुअल फंड्स भी पीछे नहीं रहे। अनिश्चितताओं के समय निवेशकों ने म्यूचुअल फंड सही है को पूरी तरह अपनाया और फोलियोस की संख्या मई 2021 में रिकॉर्ड 10 करोड़ के पार हो गई। साथ ही साथ एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 37 लाख करोड़ रुपए के पास पहुँच गया। लेकिन इस ग्रोथ स्टोरी में सबसे बड़ा योगदान उस फंड हाउस का रहा जिसने बड़े शहर ही नहीं बल्कि छोटे शहर और कस्बों से लोगों को म्यूचुअल फंड्स में कदम रखवाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े फंड हाउस SBI म्यूचुअल फंड की, जो है आज का स्वदेश हीरो। देश के सबसे बड़े बैंक की प्रमुख हिस्सेदारी वाला SBI म्यूचुअल फंड देश की दूसरी ऐसी कंपनी थी जो कि UTI के बाद लॉन्च हुई थी। इसके नंबर वन होने में SBI के कोने कोने में पहुंच का बड़ा हाथ है। फंड मैनेजमेंट में लंबे अनुभव वाला SBI म्यूचुअल फंड स्टेट बैंक और फ्रांस की अमुंडी के बीच एक ज्वाइंट वेंचर है, जिसमें स्टेट बैंक की 63% और अमुंडी की 37% की हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफी समय बिताने के बाद इस कंपनी की असली ग्रोथ स्टोरी आखिरी 5 साल में शुरू हुई। 2016 में जिस कंपनी का असेट अंडर मैनेजमेंट 1 लाख करोड़ था, वो 2021 आते आते 6 गुना होकर 6 लाख करोड़ पार कर गया। 2016 में मार्केट शेयर के हिसाब से SBI म्यूचुअल फंड देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी थी। लेकिन मजे की बात यह है कि इस फंड हाउस ने 2020 यानी कोरोना काल में शिखर को छुआ। कोविड-19 की महामारी में यूं तो कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस चुनौती को मौके में बदला SBI म्यूचुअल फंड ने। ऐसे तो 1 लाख करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट तक पहुंच पाना भी अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन इस फंड हाउस ने कोविड-19 के 2 सालों में यानी 2020 और 2021 में 2 लाख करोड़ AUM जोड़ा, जिसमें आखिरी के 1 लाख करोड़ मात्र 6 महीने में आए हैं। इस दौरान SBI म्यूचुअल फंड ने एक बड़ी सफलता बैलेंस्ड एडवांटेज फंड से हासिल की, जिसमें छोटे शहरों के निवेशकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कंपनी के मुताबिक इस फंड ऑफर में रिकॉर्ड 14,691 करोड़ रुपए इनफ्लोज आए, जिसमें सभी पिन कोड्स की भागीदारी थी, मतलब ये मुंबई, दिल्ली हो या जबलपुर, कानपुर, सभी निवेशकों ने इसमें इन्वेस्ट किया। हमारे देश का ना दो नजरिया से देखते हैं, एक है इंडिया और एक जो कहा जाता है भारत। वो इंडिया में तो हम काफ़ी है अभी, इफ़ यू मे कॉल इट दैट वे, द टॉप सिटीज एंड द मेट्रोज, बट अदरवाइज वो भारत में जाने के लिए हमने काफ़ी वी आर ऑलरेडी देर, हमारा प्रेजेंस काफ़ी है उधर फैला हुआ, सो उस पर भी हमारा अभी फोकस जारी होगा। SBI म्यूचुअल फंड पिछले 5 सालों से लगातार इंडस्ट्री से बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है। मसलन वित्त वर्ष 2016-17 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के असेट अंडर मैनेजमेंट 35% बढ़े तो SBI म्यूचुअल फंड में 47% की ग्रोथ रही। कंपनी को डिजिटल सेल्स से भी फायदा मिला। डिजिटल सेल्स का शेयर जो 2016-17 में 18% था, वो वित्त वर्ष 2021 में बढ़कर 66% हो गया। आज का आलम ये है कि हर 4 में से 3 नए ग्राहक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही जुड़ रहे हैं। कंपनी इस ग्रोथ की रफ्तार को बनाए रखना चाहती है और टारगेट ये है कि अभी के 16% मार्केट शेयर को 25% तक ले जाया जाए। कंपनी की माने तो वो इस टारगेट को पूरा करने के लिए SBI के नेटवर्क के सहारे पूरे भारत में निवेशकों को जोड़ना चाहती है। 17% मार्केट शेयर को 20% और बाद में 25% करने की जो SBI म्यूचुअल फंड की योजना है, वो तभी पूरी हो सकती है जब देश के छोटे शहरों के निवेशक और छोटे निवेशक साथ में जुड़े, यानी इंडिया तो साथ है ही, अब भारत को भी जुड़ना होगा।
वहीं एसबीआई म्यूचुअल फंड की इस कामयाबी को लेकर क्या कहना है कंपनी के अधिकारियों का, और इस पर एसबीआई म्यूचुअल फंड के चीफ बिजनेस ऑफिसर और एमडी एंड सीईओ से बात की हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने। हम एसबीआई म्यूचुअल फंड के ऑफिस में हैं ये जानने के लिए कि 6 लाख करोड़ का एयूएम जो पार किया है कंपनी ने वो कैसे किया है। हमारे साथ मैनेजमेंट है बात करने के लिए मिस्टर विनय एम टोन से जो कि एमडी एंड सीईओ हैं, और मिस्टर सिंह जो कि चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं। सबसे पहले हम टोन से सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो 5 लाख करोड़ से 6 लाख करोड़ हुआ वो काफ़ी जल्दी हुआ, ये कैसे हुआ आखिर? Yeah, thank you, Ankur. Very interesting question for us. And हमने जो ये this particular 1 लाख करोड़ का जो jump देखा ये सिर्फ 7-7.5 महीने में हमको मिला है. And this has happened, of course, to some extent, छोटा portion आता है वो mark to market gains जो बोलते हैं market gains से. But otherwise, हमने काफ़ी inflows भी देखे हैं. और एक्चुअली ये हमको भी सरप्राइज ही था कि इतना जल्दी हो जाएगा. फरवरी से अगस्त एंड तक हमने 6 लाख करोड़ क्रॉस कर दिया था. सो दिस शोज़ द ट्रस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन अस, निवेशकों का जो हम पर भरोसा है, आई थिंक वो कंटिन्यू होते जा रहा है. क्या आपने कुछ अलग किया इस दौरान जो इतना फास्टेस्ट रिकवरी हुआ? इसमें एक चीज़ था, टवर्ड्स द एंड ऑफ द पीरियड हमारा एक न्यू फंड ऑफर था NFO विच वॉज नोन एज BAF बैलेंस्ड एडवांटेज फंड. इसमें हमको काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन आया था सारी इंडिया से. एंड ये नॉर्मली हम देखते हैं कि ये टॉप 8 या टॉप 10 सिटीज से, मेट्रोस प्लस द बिगर सिटीज से आता है. इस बार हमने ये भी देखा था कि काफ़ी कवरेज हुआ था इंडिया से, पूरा इंडिया से कंट्रीब्यूशन के लिए. एंड आई मस्ट ऑल्सो से हियर दैट इंडिया के जो पिन कोड से उसमें 93% का कवरेज ये फंड में आया था. दिस अगेन इज़ अ प्रूफ ऑफ द ट्रस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन अस. सो दिस जंप वॉज सीन एज वेरी वेरी सून एंड वेरी क्विकली. जी हाँ, ये काफ़ी वाइड इन्वेस्टर्स थे और ख़ासकर छोटे जो निवेशक हैं वो भी जुड़े, छोटे शहरों से जुड़े. मैं यहीं पे आपसे सिंह सर जानना चाहूँगा कि जो छोटे निवेशक हैं उनका कितना योगदान रहा है ये 5 लाख करोड़ का जो आपने आंकड़ा पार किया, और उसके बाद जैसे सर ने बताया कि जो बैलेंस फंड है उसमें जो इन्वेस्टमेंट था वो 93% ज्योग्राफी से आया. So, छोटे निवेशकों का कितना योगदान? देखिए, छोटे निवेशकों का पैसा और छोटी जगह से पैसा, ये दो अलग मुद्दे हैं. जो सब बोल रहे हैं कि हमें 93% पिन कोड से पैसा आया, वो ये कहने का मतलब ये है कि ये कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेशन जो छोटे शहरों से है, हमें बहुत पैसा मिला, 93% पिन कोड से पैसा आया. और पैसा छोटी टिकट का तो आया, बड़ी टिकट का भी काफ़ी आया. अक्सर हम ये देखते थे कि जो छोटे शहर से पैसा 10,000, 20,000, 50,000 का आता है, पर इस फंड में जो बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करें, अगर हम इसको एक सैंपल के तौर पे देखें कि क्या मूड क्या है जनता का और जनता क्या करना चाहती है, तो बड़ी टिकट का पैसा भी छोटे शहरों से बहुत आया. आपको हैरानी होगी कि आम तौर पे होता क्या है कि जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में देखा जाता है कि टॉप 8 सेंटर्स पुट ऑलमोस्ट 50-60% ऑफ द बिजनेस, और टॉप 15 सेंटर्स जो होते हैं 15 या 20 बड़े शहर, उससे 70-80% बिजनेस आता है, बाकी सबसे 20% आता है. ये एक उमदा एक फंड है जिसमें हमें पैसा 35% पैसा, 35% को छोड़ो तो 5,000 करोड़ जो है B50s, मतलब जो 50 बड़े शहर छोड़ के उसके नीचे के शहर से वहाँ से आया. तो वो एक बड़ी बात है कि छोटी जगह से आना, छोटे निवेशक का आना, वो तो छोटे निवेशक का पैसा बड़े शहर से भी आ सकता है, छोटे शहर से भी आ सकता है, क्योंकि हर तरह के निवेशक हर जगह पे हैं. तो जहाँ तक छोटे शहरों से है वहाँ तो हमारी लीडरशिप है ही, पर हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो रोल है, क्योंकि हम लीडर हो गए हैं, 5 लाख करोड़ हुआ, वी आर नंबर 1, हमारे साथ SBI का नाम जुड़ा हुआ है, तो हमारा ये मकसद है, ये एक एम है कि हम सिर्फ जो लोग ऑलरेडी मार्केट में हैं उन्हीं का नहीं, नए इन्वेस्टर से बहुत पैसा लेके, तो वही हमारी हमेशा एक कोशिश रहती है. आपने पिन कोड्स की बात की, प्लान क्या है आगे कि जो छोटी जगह हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर कैसे और निवेशकों को जोड़ें?
देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो हमारा SBI म्यूचुअल फंड जैसे नाम बोलता है और SBI हमारा पेरेंट है। हमारा SBI के थ्रू जो हम सेल करते हैं ऑलरेडी हमारे पास 22,000 ब्रांचेस का एक नेटवर्क है जिनके थ्रू हम हर जगह पहुंच सकते हैं। उसके अलावा जो SBI का नाम है वो हर जगह किसी भारतीय को पूछने की ज़रूरत नहीं कि SBI क्या है, या कोई ऐसा कोई भी ब्रांड, ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग ब्रांड नहीं है हिंदुस्तान में आज की डेट में, स्पेशली इन द कैपिटल मार्केट, जिसको अपना नाम बताना ना पड़े या अपनी इसके चीज़ बताना पड़े कि वो क्या करते हैं। तो जब भी हम पैसे की बात करते हैं तो एक आम जो नागरिक है वो जब उसके पास जो सरप्लस पैसा है उसको डेफिनेशन से ज़्यादा मालूम नहीं है कि ये मेरा सेविंग्स है या मेरा इन्वेस्टमेंट है या मेरा इंश्योरेंस है। उसके लिए एक है कि SBI है, SBI चीज़ को बेच रहा है तो SBI में इसमें ठीक ही होगा, उसका जो विश्वास बना रहता है। एक तो वो चीज़ है कि हम SBI के थ्रू जाएंगे। दूसरा हमारी ये कोशिश है कि जो बाकी चैनल्स हैं, क्योंकि हम B2B हैं, व्यापार से व्यापार, मतलब हम सीधा व्यापार से कंज्यूमर के पास नहीं जाते, हमारा बेसिक पर्पस है कि हमारा जो बिज़नेस है जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट, उसको एक बड़े सुजित तरीके के साथ एक क्रेडिबल डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन कस्टमर के पास पहुंचाया जाए। तो सबसे बड़ी बात है वो जो क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी ऑफ इंटरमीडियरी, उसका सबसे बड़ा हमारा एक फ़ायदा है, क्योंकि जो हमारा नाम है, हमारा जो नाम के साथ जो ट्रस्ट जुड़ा हुआ है, उसके साथ में किसी को सोचना नहीं पड़ता। एक बार बोल दिया कि हाँ म्यूचुअल फंड सही है, एम्फी ने एक बहुत बड़ा इसका एक कार्यक्रम चलाया जिसकी वजह से सब पूरे हिंदुस्तान में सबको पता है कि म्यूचुअल फंड कुछ है और वो सही है। पहले इट्स नो मोर ए बैड वर्ड, इट्स यूज्ड टू बी ए बैड वर्ड, तो अभी वो जब सही है और एक सही इंटरमीडियरी मिल गया और सही फंड हाउस मिल गया सही, तो सारी चीज़ें अलाइन होने से आई एम श्योर हम ऑलरेडी वी आर ऑन द राइट ट्रैक। हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है और आने वाले समय में हम बहुत ज़्यादा लोगों को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ जोड़ पाएंगे। चलिए तो इसी के साथ अब वक्त आ गया है स्वदेश आर को यहीं समाप्त करने का, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए टीना स्वदेश के साथ ही। नमस्कार।